In this section, I will explain the concept of diversifying principle. So, by diversification, we mean that we are putting our money in various types of financial instruments. We are investing our money in multiple things so that we can get our exposure to the risk to a minimum level. So, that is basically the concept of diversifying so when we use this concept of diversification principle it means that we are putting our money in various types of financial instruments in order to protect ourselves against the possible risks that are associated with any one product diversification principle helps in helps us in ex, expo, ex, reducing our exposure to the risk so we um, to this particular technique or following this particular technique we reduce our exposure to these different types of issues that may come up now when we are trying to understand the concept of diversification we have to understand that what are the various correlated and un and uncorrelated risks so मैं अभी आपको मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन करने जा रही हूं कि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक ऐसे तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका आ, किसी और दूसरे तरह के बिजनेसिस से कोई लेना देना नहीं है तो देन इट वुड बी बेटर कि हमारे पास इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दोनों बिजनेसेस चूँकि डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं एक में नुकसान होगा तो वो आपके दूसरे बिजनेस के नफा नुकसान को इन्फ्लुंस नहीं कर सकता तो ये एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि जो रिस्क हम एक्सपोज करें अपने आप को है, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो यू आर एक्सपोजिंग बट बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपने अनकोरिलेटेड रिस्क से अपने आपको एक्सपोज किया है अनकोरिलेटेड का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक तरह के प्रोडक्ट की मार्केट में या किसी सेक्टर के अंदर कोई मसला हो जाता है कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है या कोई टैक्स आ गया है या कोई और कोई बीमारी फैल गई है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के साथ कोई इशू हो गया तो आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया वहाँ अगर आपको नुकसान हो जाता है तो एक बिल्कुल ही अनको प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट साथ ही में कर लेंगे तो वहाँ इस किस्म के मसायल से आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एरिया और वहाँ के रिस्क फर्क हैं इसके रिस्क के जो फैक्टर्स हैं वो फ़र्क हैं और ऐसे करने से आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और आप अपनी रिस्क एक्सपोजर को कम कर सकते हैं बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल नाउ आई एम गो टू टेक एन एग्जाम्पल एंड आई विल एक्सप्लेन द ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सपोज आपके पास वन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी दवाई के बिजनेस में मेडिसिन के बिजनेस में और आप अगर एक ही तरह की दवाई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सपोज आपको मार्केट के जो एनालिसिस आपने किया है वहाँ से आपको पता चला कि देर आर फिफ्टी परसेंट चांसेस कि आपको आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा देर आर फिफ्टी परसेंट चांसेस कि आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा तो मैथमेटिकली या स्टेटिस्टिकली वी कैन पुट इट आज के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जीरो यानी कि फिफ्टी परसेंट चांसेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ अगैन फिफ्टी परसेंट तो इस किस्म की सिचुएशन में हम अगर फर्दर कोई नंबर्स की मदद से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एलेबरेट करने की कोशिश करें हमने कहा कि एक लाख डॉलर को इन्वेस्ट करने से अगर आपको फ़ायदा हो जाता है अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपको जो मुनाफा होगा प्रॉफ़िट आएगी वो फोर हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स है यानी कि आपको एक लाख डॉलर इन्वेस्ट करने से चार लाख डॉलर का फायदा हो सकता है मगर आप अगर आपकी मेडिसिन फ्लॉप हो गई मार्केट में जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन दैट केस आपके पूरा एक लाख रुपया ज़ाया हो जाएगा यू विल नॉट बी गेटिंग एनी थिंग इन रिटर्न तो इफ़ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर इन इन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल यू कैन सी दैट मैंने यहाँ टेबल में आपको दिखाने के लिए इधर आउटकम्स लिए हैं इन द फर्स्ट कॉलम सो यू कैन सी दैट कि अगर मेडिसिन फ़ेल हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है फिफ्टी परसेंट अगर मेडिसिन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी है ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट का मतलब है फिफ्टी परसेंट ना पे ऑफ का मतलब है आपको रिटर्न कितना मिलेगा तो अगर आपकी मेडिसिन फ़ेल हो गई है तो आपको फिर ज़ीरो डॉलर फ़ायदा होने वाला है आपको सारे आपके पैसे चले जाएंगे नुकसान हो जाएगा बट इन केस इफ़ द मेडिसन बिकम सक्सेसफुल आपको चार लाख डॉलर का मुनाफा होने वाला है चार लाख डॉलर आपको पैसे मिलेंगे नाउ इफ़ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ गिवन बाय दिस स्मॉल आर जे हमने इसके रेट ऑफ़ रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा था पहले इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं रेट ऑफ़ रिटर्न इज बेसिकली जो आपने पे ऑफ़ लिया है ये पे ऑफ़ है आपका इस पे ऑफ़ में से अगर आप अपनी कॉस्ट को जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है एक लाख उसको माइनस कर देंगे और इसको फिर कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया जीरो माइनस एक लाख डिवाइडेड बाय एक लाख विल हैज़ गिवन मी माइनस वन हंड्रेड परसेंट और यहाँ पे मैंने यही वाली फार्मूला इस्तेमाल की दैट इज़ फोर हंड्रेड थाउजेंड माइनस वन हंड्रेड थाउजेंड डिवाइडेड बाई हंड्रेड थाउजेंड एंड आई हैव गॉट द रेट ऑफ़ रिटर्न एकवल टू थ्री हंड्रेड परसेंट तो अगर आपकी मेडिसिन सक्सेसफुल आ जाती है तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो थ्री हंड्रेड परसेंट है अगर आपकी मेडिसिन फेल हो जाती है मार्केट में तो आपको नुकसान जो होने वाला है या रेट ऑफ रिटर्न इन दैट केस वुड बी माइनस हंड्रेड परसेंट नाउ अगर आपने यहाँ पे आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया तो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू कि इफ़ यू वुड हैव डाइवर्सिफाइड अगर आपने एक ही तरह के बिजनेस में अपने तमाम पैसे नहीं डाले तो इन केस ऑफ फेलियोर आपको कोई ना कोई फायदा पहुंचने वाला है आपको इस तरह से माइनस हंड्रेड परसेंट या हंड्रेड परसेंट नेगेटिव के साथ में आपका रेट ऑफ रिटर्न का नुकसान नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए वी कैन सी दैट अभी इन केस इफ वी वुड हैव इन्वेस्टेड इन टू ड्रग्स टू टाइप्स ऑफ मेडिसन्स एक समझ लें ब्लड प्रेशर की दवाई है दूसरी समझ लें सर दर्द की दवाई है आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है फाइन इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन टू मेडिसन्स टू ड्रग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन तो उसके लिए देख सक देख सकते हैं अगर आपकी दोनों प्रोडक्ट्स फेल हो जाएं जिसके तो उसके चांसेस बहुत कम हैं और उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है इट इज़ जस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट जीरो पॉइंट टू फाइव और अगर दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल सक, हो जाए तो उसके फिफ्टी परसेंट हैं ठीक है और अगर दोनों प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल सक, हो जाए तो फिर उसके फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट नाउ इन दिस केस अगर आपकी दोनों प्रोडक्ट्स फेल हो गई तो आप ये तो बहुत कम चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट्स फ़ेल हो जाएं तो उसके केस में आपके पास जो पे ऑफ है वो ज़ीरो आएगा और आपने एक लाख रुपया एक लाख डॉलर इन्वेस्ट करी हुई है तो इसके ऊपर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी माइनस वन हंड्रेड परसेंट बट अभी फिफ्टी परसेंट चांसेज हैं कि आपकी कोई एक ड्रग जो है वो कामयाब हो जाएगी इन दैट केस आपको दो लाख डॉलर का मुनाफा हो सकता है और विच इज़ रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो वो हंड्रेड परसेंट बन सकता है रेट ऑफ रिटर्न नाउ देर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि अगर आपके जिसके ट्वेंटी फाइव परसेंट चांसेस हैं कि आपकी दोनों प्रोडक्ट्स ही सक्सेसफुल हो जाए और इन दैट केस यू विल बी एबल टू जनरेट अ पे ऑफ ऑफ फोर हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स और इसके ऊपर अगर आप रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो ये प्लस थ्री हंड्रेड परसेंट है तो नाओ अगर हम इन दोनों ऑप्शन को देखें तो ये सेवेंटी फाइव परसेंट चांस बनता है ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट चांस में आपको कोई ना कोई मुनाफा हो रहा है और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसा चांस है जो कि क्वार्टर है यानी कि कम है चांस कि आपको नुकसान होगा तो ये कब पॉसिबल हुआ कि हो गया क्योंकि इस केस में हम दो ड्रग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आप दो तरह की बिजनेस में पैसे डालते हैं तो फिर डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि आपको अब आप नुकसान करने की जो प्रॉबिलिटी है या लाइवलीहुड है वो काफी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू इफ यू आर पुटिंग ऑल योर मनी इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट या एक तरह की अगर आप इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो फिर आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं जैसे हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन ओनली वन मेडिसिन तो आपके नुकसान होने के चांसेस 50 परसेंट थे यहाँ नुकसान होने के चांसेस ओनली 25 फाइव परसेंट है बिकॉज हमने डायवर्सीफाई किया है राइट नाउ डाइवर्सिफिकेशन की एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो हमने अभी एग्जाम्पल की मदद से देखा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो काफ़ी हद तक कट डाउन हो जाता है बट uh, एक और चीज़ जो आपने देखी वो क्या है कि इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हमेशा आपको आप उस आपकी बचत तो हो गई है कि आपको लॉसेस की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है लेकिन एट द सेम टाइम आपको चार लाख रुपया या चार लाख डॉलर कमाने की जो प्रॉबिबिलिटी थी वो जब आप एक ड्रग में इन्वेस्ट कर रहे थे उस वक्त आपके पास फिफ्टी परसेंट चांसेस थे कि आप चार लाख ,00 कमा लें मगर यहाँ पे आपके जो चार लाख ,00 कमाने के बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जो चांस है वो ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट से यानी कि फिफ्टी परसेंट से कट होके ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गई है तो दिस इज द कॉस्ट विच विच यू विल हैव टू पे यू विल डाइवर्सीफाई सो द चांस ऑफ गेटिंग अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो गोज डाउन बट एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज कि आपकी जो लॉसेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी हद तक कट हो जाती है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं